महाभारत में भी कहा गया है कि राजा कालस्य कारणम, अगर लीडरशिप स्ट्रांग होती तो क्या इसको उतना बढ़ने से रोका जा सकता था? कि जैसे राजा का धर्म है वैसे प्रजा का धर्म भी है। सर 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 प्रणाम सर, डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्ले सर, मैं क्या बताऊं, इट्स अ फैन मोमेंट सर, मैं इतने टाइम से आपसे बात करना चाह रहा था, और जितने लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज मिलिए डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्ले सर से, इनके बारे में बताने को बहुत कुछ है। कौटिल्य अर्थशास्त्र से पीएचडी किया है आपने, 15 से ज्यादा बुक्स आपने लिखी हैं जो लीडरशिप और मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पे बात होती है, उसमें एक बुक आपकी मेरे पास भी है चाणक्य एंड यू, ये मेरी फेवरेट बुक है, प्लीज आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा जितने लोग इसको देख रहे हैं। बाकी 25 सालों से सिर्फ आप एक ऑथर नहीं है बल्कि आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, लीडरशिप पर आप लोगों को मेंटोर भी करते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट्स में आपने लेक्चर्स लिए हैं, लोगों को सजेस्ट किया है, लोगों को गाइड किया है, आगे बढ़ने में मदद करी है, IITs और IIMs की बात तो है ही, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, एयरफोर्स है, और 500 से ज़्यादा ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सो बेस्ट पार्ट सर मुझे जो लगता है और जो हम सबको सीखना चाहिए आपसे वो ये कि मॉडर्न प्रॉब्लम्स का एंशिएंट सॉल्यूशन क्या है आज के टाइम में, तो इसके ऊपर आज बात करेंगे आपसे। और एक बार वेलकम डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्ले सर। इस वक्त की जो सबसे बड़ी समस्या हम सबके लिए है वो है कोविड, इस महामारी से लड़ना। लेकिन जो पहला सवाल मेरा है कि जो तस्वीरें हम देखते हैं इंटरनेशनल मीडिया में कि भारत को कैसे दिखाया जा रहा है और भारत में जो तकलीफ है उसे देखकर एक कॉमन आदमी थोड़ा दहशत में आ जाता है, नेगेटिविटी उसे घेर लेती है, क्या किया जाए, क्या सोल्यूशन है इसका सर, इस पे कैसे रिएक्ट किया जाए, एक आम आदमी क्या करे? मैं हमेशा कहता हूं कि ह्यूमन सोसाइटी, अगर हम हमारा समाज देखें, इट ओनली लिव्स ऑन होप, सो इन द मोस्ट होपलेस सिचुएशन ऑल्सो देयर इज ओनली वन सेवियर, दैट इज होप। तो जब लगता है कि पूरी परिस्थिति में कुछ नहीं कर सकते तो एक चीज आप जरूर कर सकते हो वो है आपकी मनस्थिति जी। तो परिस्थिति के आगे जो आगे जाता है और जो मनस्थिति को ठीक रखता है वही परिस्थिति को जीत सकता है। सो मैं सब भारतीयों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सिचुएशन में नेगेटिव न होते हुए आपकी मनस्थिति को 3 एंगल से आपको देखना है। सो टू कीप योर माइंड विद 3 एटीट्यूड्स, वन इज प्रैक्टिकल, सेकेंड इज पॉजिटिव, एंड द थर्ड इज स्पिरिचुअल, और ये तीनों गुण भारतीयों में बहुत है। Correct. तो मैं ये कहता हूँ कि 2 टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं, एक एंटीबॉडी जो आपको वैक्सीन देगा वो जरूर कर लीजिएगा जब समय आएगा, सेकेंड एंटीबॉडी अंदर से बाहर आता है, वो बाहर से अंदर मिल जाता है, उसे कहते हैं उत्साह, पॉजिटिव एटीट्यूड दैट यू हैव एक्चुअली इज एन एंटीबॉडी। तो एक ही चीज मैं बताऊंगा रौनक जी, दैट ये जो पूरी परिस्थिति है अगर आपकी मनस्थिति आध्यात्मिक हो, प्रैक्टिकल हो और पॉजिटिव हो, तो कोरोना क्या कोई भी प्रॉब्लम है हम जरूर उसे जीत सकते हैं। वंडरफुल सर। सर आज के टाइम अगर चाणक्य सोशल मीडिया पे होते, उनका खुद का ट्विटर हैंडल होता, वो खुद इंस्टाग्राम पे होते, तो वो क्या कर रहे होते इस समय? वो ज्यादा से ज्यादा पोस्टिंग करते, बहुत सारे वीडियो क्रिएट करते। अच्छा, आपको पता है चाणक्य हमेशा कहते हैं कि इनका अर्थशास्त्र में एक सूत्र है, वो कहते हैं व्हाट एवर बी द सिचुएशन एक्टिविटी शुड नॉट स्टॉप। ओके, सो कहते हैं गो आउट, इफ यू कांट गो आउट एटलीस्ट गो इनसाइड। तो सबसे पहले वो ध्यान करते हैं, सो ही विल मेडिटेट, गेट बेटर आइडियाज टू इंस्पायर द सोसाइटी। सो अगर उनके पास कुछ नहीं है तो आज उनके पास अगर मोबाइल भी हो विद कनेक्टिविटी, ही वुड हैव ट्वीटेड 20 टाइम्स अ डे, he would have created 200 videos and he would have given practical plans and suggestions to the government also, very important. So rajaon ke sath bhi kaam karega strategic level pe aur praja ke sath karega kaam karne ke liye. Agla sawal sir main isi se juda hua puchna chahta hu ki Mahabharat mein bhi kaha gaya hai ki raja kalasya karanam, to leadership ka kitna bada role tha ye sara itna jo phail gaya, aur chahe wo state government ho ya central government ho, अगर लीडरशिप स्ट्रांग होती तो क्या इसको उतना बढ़ने से रोका जा सकता था? कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उनकी? बहुत बड़ा और बहुत उत्तम सवाल आपने पूछा रंग जी। देखो, राजा कालस्य कारणम, राजा एक पूरे काल का निर्माण करता है जो महाभारत में दिया हुआ है, लेकिन एक और बात है जो चाणक्य ने बताया कि जैसे राजा का धर्म है वैसे प्रजा का धर्म भी है। तो हम तो केवल राजा धर्म की बात करते हैं, पर आपको पता है उसी महाभारत में प्रजा धर्म भी दिया हुआ है। तो ताली 2 हाथ से बजने के टाइम हमें ये सोचना चाहिए कि व्हाट डिड वी डू एज सिटीजंस, आर वी ओनली ब्लेमिंग द लीडर्स। मैं ये नहीं कहता कि ऑल लीडर्स आर परफेक्ट,
देखिए कोई भी पार्टी के लीडर हो कुछ भी हो, आई थिंक वी हैव टू नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, इट्स नॉट अ बैटल अगेंस्ट ईच अदर, इट्स अ बैटल अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी. Correct. So I think the leaders, if they are having this petty fights, then it's not good leadership. But at the same time, my question is that I am not a political leader. Aap nahi ho, you can influence. Aap nahi kya kya? Kya aapne apna dharma pura kiya? Absolutely, sir. Sir, हम positive रहने के लिए, practical रहने के लिए, spiritual रहने के लिए बात तो करनी चाहिए, अच्छी भी है. लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि एक तरफ अर्थव्यवस्था जो हमारा economy है वो जा रहा है, नौकरियां जा रही हैं. So उसको कैसे टैकल किया जाए, उसकी क्या स्ट्रेटजी होती है आपके पास ऐसे सिचुएशन में? देखो ये जो कंसेप्ट है नौकरियां नौकरियां नौकरियां, ये भारतीय कल्पना है ही नहीं. यू नो अ सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी यूज्ड टू वर्क. मैं ये नहीं कहता कि नौकरियां चाणक्य के जमाने में नहीं थी, बट रिमेंबर वन थिंग, वी वर अ नेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. हर गांव में कोई ना कोई खेती करता था, हर गांव में कोई सोनार होता था, यू नो ब्लैकस्मिथ गोल्डस्मिथ, एवरी विलेज हैड अ सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल. और ब्रिटिशर्स जाने के बाद हम एक ही चीज करते हैं, गवर्नमेंट के एप्लीकेशन जॉब या फिर पढ़ाई करके कहीं पे जॉब. सो सबसे पहले टू रिवाइव आवर इकोनॉमी वी शुड ब्रिंग बैक द एंटरप्रेन्योर मॉडल, नॉट ए जॉब मॉडल. क्यों हम सरकार या फिर कोई कंपनी हमको कोई फेवर करके जॉब देगी और जिस दिन जॉब गया तो हम वापस रस्ते पे आ गए. सो आई थिंक इट रिक्वायर्स अ वेरी करेक्टिव सिस्टम टू थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर रादर देन एन एम्प्लॉय. ये तो हो गई फिलोसफी की बात, लेकिन आज की सिचुएशन में देखो तो आई हैव अ वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन. क्रिएट अ फैमिली प्रोजेक्ट, देयर इज अ कलेक्टिव इनकम एंड कलेक्टिव एक्सपेंडिचर. जिस दिन ये होगा उस दिन वी विल नॉट बी थिंकिंग लाइक एन इंडिविजुअल, वी विल बी थिंकिंग लाइक अ फैमिली. एंड रिमेंबर वन थिंग, अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर एक्चुअली स्टेज टुगेदर. उसी तरह फैमिली दैट प्लान्स टुगेदर एंड मेक्स अ बजट टुगेदर एक्चुअली विल सर्वाइव द कोरोना टाइम्स एंड एवरी बैड टाइम्स. आपके हिसाब से एक लीडर की सही क्वालिटी क्या है? क्योंकि क्या है ना, लोग ऐसे ऐसे सिचुएशन के बाद लोग अपना मन बनाते हैं कि अगली बार मैं किसको लीडर चुनूंगा. तो किसको लीडर चुना जाए, वो तीन चीजें क्या है या वो पांच चीजें क्या है या वो एक बात क्या है चाणक्य के हिसाब से कि अगर ये उस व्यक्ति में है तो आप उसे अपना लीडर चुनिए? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज के टाइम पे अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि अच्छे और बुरे का चुनाव नहीं है, यहाँ पे बुरा और कम बुरे का चुनाव है. सो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इनफैक्ट आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा जो चाणक्य ने भी पूछा था कि हुम शुड आई मेक ए लीडर. ओके, तो उस जमाने में सिलेक्शन प्रोसेस था, आज के जमाने में इलेक्शन प्रोसेस है. बट व्हेदर यू आर सेलेक्टिंग और इलेक्टिंग ए लीडर, फर्स्ट लुक एट द क्वालिटीज. चाणक्य ने अर्थशास्त्र में 36 क्वालिटीज ऑफ ए लीडर दिए, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 36 गुण. हम 36 गुण की बात नहीं करेंगे, लेकिन आपने पूछा था टॉप 3 क्वालिटीज तो जरूर बताऊंगा. जी जी, फर्स्ट क्वालिटी इज इंटेलिजेंट एंड डायनामिक. ओके, तो बुद्धिमान भी होना चाहिए. सोचना, विचार करना, इसका प्रोसेस कहते हैं अन्वीक्षिकी. कैसे अन्वीक्षण करना? सो यू हैव टू हैव ए थिंकिंग लीडर. बट रिमेंबर वन थिंग, ओनली थिंकिंग लीडर इज नॉट इनफ. यू शुड हैव ए थिंकिंग लीडर हु एक्चुअली पुट्स द प्लान इनटू एक्शन. Correct. So, intelligent person who can also deliver results, first quality of a leader. Second quality of a leader, जो हम सब बड़े बड़े लीडरों में देखते हैं, जिसको हम respect करते हैं, उसे कहते हैं विनय या humility. देखिए, विनय is very important, क्योंकि जब आदमी लीडर बनता है तो उसमें अहंकार भी आ जाता है. It's very, very important that number one person should be very humble. ये हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में देखते हैं, बहुत सारे अब्राहम लिंकन में देखते हैं, नेल्सन मंडेला में देखते हैं. So, irrespective of whichever part of the world, humility is a very important quality. मैं आपको और एक बात बताऊंगा. तो मैं कहूंगा second quality of a leader, in spite of all the success and the power that you have, don't misuse the power. Use the power for the benefit of the people. प्रजा सुखे सुखम राग देंगे, मेरे पीछे भी लिखा हुआ है. जो प्रजा के सुख में काम करता है वो सही राजा होता है. एंड द थर्ड क्वालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, इसे कहते हैं वृद्ध संयोग. इसका मतलब क्या? जो वृद्ध है, जो हमारे जो पूर्व अपने माँ पिताजी है, बुजुर्ग है, उनके साथ बैठ के चर्चा करना, ये बहुत इंडियन क्वालिटी ऑफ ए लीडर है. सो देखिए, हमारे कल्चर में जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो केवल ऐसा कम्युनिकेशन स्किल और ओरेटरी स्किल्स एंड रिटर्न स्किल्स एंड प्लानिंग स्किल्स में, ये तो है ही, बट जिसमें वो भावना है, तो देश को दिल में रखे,
लोगों को पता है, उसी लीडर को आप सेलेक्ट कीजिएगा, इलेक्ट कीजिएगा। बढ़िया, तो पब्लिक ने वो क्राइटेरिया प्लीज आप नोट डाउन करना, और फिर अपने लोकल, मैं तो बोलता हूँ पंचायत से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक, जब भी आपको चुनने का मौका मिले उस ये तीन क्राइटेरिया। बाकी सर वो जो 36 आपने बोले हैं उसे अगर देखना है तो कहाँ पे देख सकते हैं, एनी पर्टिकुलर लिंक अगर आप दें तो हम उसे डिस्क्रिप्शन में जरूर शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सो अर्थशास्त्र में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, क्वालिटीज ऑफ ए लीडर जिसे कहते हैं स्वामी। अगर आप हमारा बोर्ड भी देखें तो ऑरेंज कलर में जो है नीचे स्वामी लिखा हुआ, स्वामी का मतलब लीडर। एंड चाणक्य ने सिलेक्शन ऑफ ए लीडर में 36 क्वालिटी दिए हुए, सो आई विल सेंड यू द लिंक, संस्कृत में भी है, इंग्लिश में भी है, आई विल पास इट ऑन, प्लीज एवरीबडी स्टार्ट रीडिंग चाणक्य, यू विल बिकम ए लीडर ऑफ योर फील्ड। वंडरफुल सर, फाइनल क्वेश्चन जिस पे आजकल कंट्रोवर्सी भी हो रही है कि कुंभ जैसा एक इतना बड़ा ग्रैंड जो ऑर्गेनाइज किया गया हुआ उसके वजह से स्प्रेड थोड़ा ज्यादा हो गया, वो नहीं होना चाहिए था, इस पे अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपके हिसाब से ये होना चाहिए था, उसमें कमी रही है, अब दोष देना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या लगता है आपको? सी आई विल ओनली बी एबल टू कमेंट एज अ कॉमन मैन, ओके, लेकिन कुंभ मेला के बारे में मेरा एक छोटा सा पर्सनल व्यू बताऊंगा मैं, पर्सनल व्यू, ओके प्लीज। कुंभ मेला हैज चेंज माई लाइफ फॉर एवर। Oh, lovely. But मेरा सवाल ये है कि आप कुंभ मेला में गए हो क्या? If not now, if you are not visited कुंभ मेला, you don't know what the greatest collection of people in the world is. Olympics से भी बड़ा है, और ये कल 200-300 साल नहीं आ रही है, ये आ रहा है for thousands of years. So whether the कुंभ मेला happens during the corona times or no, it's a policy decision and we should be safe. लेकिन अगर आप कुंभ मेला में नहीं गए तो आप भारतीय ही नहीं हो, तो आगे के कुंभ मेला में जरूर जाइएगा। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इट विल चेंज योर लाइफ फॉरएवर। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत कम टाइम में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत आपसे करी, बट आगे आपकी अनुमति होगी तो और भी ऐसे सेशन रखेंगे जहां पे आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और मतलब मॉडर्न प्रॉब्लम्स और एंशियंट सॉल्यूशन को जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूं? प्लीज सर। सर शायद आपको पता नहीं होगा, आई हैव आल्सो बीन एन आरजे। सीरियसली सर, कब की बात है ये? यस, यही मैं कह रहा था कि आई बीन सो फॉर्चुनेट दैट आई यूज्ड टू एक्चुअली होस्ट अ प्रोग्राम कॉल्ड एस आस्क चाणक्य ऑन वर्ल्ड स्पेस सैटेलाइट रेडियो। सो जैसे आप मेरा इंटरव्यू करते हैं वो मेरी भी एक आदत रहेगी, मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू कर चुका हूँ ऑन द रेडियो, आई एम ए रेडियो गाय। बहुत जबरदस्त है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। रमेश जी, इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर शो, इट्स एन ऑनर टू कन्वे द मैसेज टू ऑल द लिसनर्स एंड व्यूअर्स, भारत को कभी भूलिएगा नहीं, कहां पे भी रहिए, परिस्थिति कुछ भी हो मनस्थिति को ठीक रहिएगा, दिस इज द वे टू फाइट एवरी चैलेंज इन आवर लाइफ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जरूर लिखिएगा, इस वीडियो का सबसे अच्छा हिस्सा आपको क्या लगा वो भी हमसे जरूर शेयर करिएगा, और ये वीडियो भी और भी लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, और सर से डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्ले से अगर आपका कोई सवाल है किसी भी मुद्दे पर तो आप प्लीज उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा, आगे उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा तो इन्हीं सवालों की एक लिस्ट बनाकर फिर से उनसे जरूर पूछेंगे। अपना ख्याल रखिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।